हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइटरूम स्नैपसीड पिक्सार्ट कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने लाइटरूम ऐप में फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना होगा। तो मैंने अपने फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लिया है, मैं इस फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा फ़ोटो ओपन हो चुका है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऑटो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपके यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसकी 20 एक्सपोजर 26 कर देना है, कॉन्ट्रास्ट 5 कर देना है, और शेडो को कर देना है 60, और वाइट को कर देना है 10, और ब्लैक्स को कर देना है 60। फिर आपको कलर वाले आइकॉन पर जाना है, कलर वाले आइकॉन पर आके वाइब्रेंस आपको 60 दिख रहा होगा, इसको आपको 10 कर देना है। फिर आपको कलर वाले आइकॉन पर जाना है, फिर यहाँ से रेड वाला आइकॉन दिख रहा होगा, आपको यहाँ से सेचुरेशन को 2 कर देना है, माइनस और लुमिनस को 2 प्लस कर देना है। इसी तरह आपको यहाँ पर ऑरेंज वाले आइकॉन पर जाना है, यहाँ पर इसकी भी सेचुरेशन को 2 माइनस और लुमिनस को 2 प्लस कर देना है। तो सिंपली फिर आपको येल्लो वाले आइकॉन पर जाना होगा, येल्लो वाले आइकॉन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इसकी यू को 100 माइनस और सेचुरेशन को भी 100 माइनस कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन वाले आइकॉन पे जाना है, यहाँ पे इसकी भी यू को 100 माइनस, यहाँ पे सेचुरेशन को 100 माइनस कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ब्लू वाले आइकॉन पे जाना है, इसकी यू को -21 कर देना है, एंड सेचुरेशन को 90 प्लस कर देना है, और लूमिनस को 25 प्लस कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्काई ब्लू वाले आइकॉन पे जाना है, स्काई ब्लू वाले आइकॉन में यू को यहाँ पे 100 माइनस, सेचुरेशन को भी 100 माइनस, लूमिनस को भी 100 माइनस कर देना है। ये सब करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पिंक वाले आइकॉन पे जाना है, पिंक वाले आइकॉन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसकी यू को 67 माइनस कर देना है, और यहाँ पे 52 यहाँ पे लुमिनस कर देनी है, और यहाँ पे 24 लुमिनस प्लस कर देनी, इसका डन कर देना है। डन करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये साइड वाले आइकॉन पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लैरिटी को 23 कर देना है, और यहाँ पे बिगनेट को यहाँ पे आपको 7 कर देना है। यही सब करने के बाद आपको यहाँ पे शार्पनेस वाले आइकॉन पे जाना है, शार्पनेस वाले आइकॉन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे शार्पनेस वाले शार्पनेस को यहाँ पे 23 कर देना है, नॉइज रिडक्शन कर देना है 24, कलर नॉइज रिडक्शन कर देना है 25। ये सब करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फ़ोटो को यहाँ पर शेयर कर देना है। तो मेरा फ़ोटो शेयर हो रहा है, तो चलिए मेरे को यहाँ पे इसको स्नैपसीड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैंने अपने फ़ोटो को स्नैपसीड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो सिंपली अब मेरे को सिलेक्टिव वाले आइकॉन पे जाना है, सिलेक्टिव वाले आइकॉन पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे अपने फेस को यहाँ पे क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे फेस को क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेस देखिए क्लियर हो रहा है, हो चुका है। तो यहाँ पे दोबारा मैं सिलेक्टिव वाले आइकॉन पे जाता हूँ, सिलेक्टिव वाले आइकॉन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा वहीं पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ दोबारा वहीं क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे मैं 11 ले लेता हूँ और राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्टिव वाले आइकॉन पर दोबारा जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे हैंड थोड़े से क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हैंड के पास जाता हूँ, यहाँ पर 18 कर इसको कर देना है 12 करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा इसी वाले आइकॉन पर जाता हूँ। तो देखिए हमारा मेरा हैंड कितना बेहतरीन लग रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने पूरे फ़ोटो को कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा फ़ोटो बेहतरीन हो चुका है। तो मैं यहाँ से भी इस अपने फ़ोटो को शेयर कर देता हूँ, यहाँ से भी शेयर करने के बाद मेरे को अब अपने एप्लीकेशन को पिक्सार्ट ऐप में एप्लीकेशन में खोल लेता हूँ। मेरा यहाँ पे फ़ोटो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो रहा है। तो देखिए मैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक PNG लगाना है, तो मैं यहाँ पे ऐड फोटो वाले आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड फोटो आइकॉन में मैं अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। तो मेरा डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल चुका है, मैं यहाँ से PNG लगाना चाहता हूँ। तो मैं अपने यहाँ पर PNG ढूँढ लेता हूँ।
सनलाइट पीएनजी में। इस पीएनजी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इस ब्लेंड पे जाता हूं, यहां पे इसकी कर देता हूं स्क्रीन। तो यहां पे मैंने अपना पीएनजी लगा दिया है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कितना बेहतरीन लगने लगा है। तो देखिए हमारा ओरिजिनल फ़ोटो कैसा था, आप देख सकते हो इस वीडियो में, और यहाँ पे ये ऐसा फ़ोटो बन चुका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार।